तो कानून क्या है इसकी बात आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह कह रहे हैं, लेकिन ये पूरा विवाद कानून मंत्री को ही लेकर के है जो कि एक अपहरण मामले में वांछित है और उन्हें कोर्ट में पेश होना था, वो नहीं पेश हुए। पूरा मामला है क्या, ये विस्तार से हम आपको समझाते हैं। आखिर विवाद की वजह क्या है और अभी तक क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में। देखिए, बिहार के वारंटधारी कानून मंत्री कार्तिकेय को लेकर के ये पूरा बवाल मचा हुआ है। किडनैपिंग केस में 16 अगस्त को कोर्ट में इन्हें हाजिर होना था, ये वारंट जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं बिग बॉल पर, लेकिन हाजिरी की जगह वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कल ही पेश होना था और कल ही उन्होंने बिहार के कानून मंत्री के तौर पर शपथ ली है। हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकल गया है, ये भी बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में। आगे क्या है, कार्तिकेय सिंह ने जमानत की अर्जी भी नहीं दी थी, अभी तक ये जानकारी भी मिली है कि बेल की अर्जी उन्होंने दी भी नहीं थी और कोर्ट में पहुंचे भी नहीं। पहुंच कहां गए, मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए। नीतीश की नई सरकार में कानून मंत्री बनाए गए हैं, आरजेडी कोटे से कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है। 2014 में किडनैपिंग के एक मामले में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था और इसी मामले में इन्हें पेश भी होना था। बिहार के बिहटा से राजू सिंह नाम के बिल्डर का अपहरण हुआ था, इसी मामले में ये वांछित हैं। बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं कार्तिकेय सिंह, कोर्ट में पेश होना था 16 अगस्त को लेकिन वो पेश नहीं हुए और इसी को लेकर के अब विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। रुपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, इससे पहले हमने आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह को भी सुना, वो कह रहे हैं कि कानून जो भी तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और अफसोस की बात यह कि पूरा विवाद बिहार के कानून मंत्री को लेकर के ही है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बेल की अर्जी भी नहीं दी थी, कोर्ट में पेश होना था, पेश भी नहीं हुए। क्या अब उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है आपको, संभावना इस बात की दिख रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं है और आप ही लोग हमें बता रहे हैं, यानी मीडिया को कहा है कि आप ही लोग अभी बता रहे हैं। कानून इसमें क्या कह रहा है, वो वारंट जारी है और एक ऑर्डर कोअर्सिव का ऑर्डर है। इन दो चीज़ों में कौन प्रभावी होगा, कानूनी राय, कानून मंत्री हैं खुद ये, इनके वकील भी यहाँ पर थे, उनके वकील ने वो जो कोअर्सिव ऑर्डर दिया है उसका मतलब जो इनकी तरफ से बताया गया है कि ये अग्रिम जमानत की तरह ही होता है और एक खास तिथि निर्धारित होती है और उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर की कॉपी भी TV9 भारतवर्ष के पास है, जिसमें 1/9/2022 यानी कि 1 सितंबर 2022 तक कोअर्सिव ऑर्डर है, यानी कि जिस अभियुक्त या जिस आरोपी के खिलाफ वारंट जारी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई उस तारीख तक न करने का ये ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर प्रभावी होगा इसकी भी कानूनी जानकारी ली जा रही है, लेकिन जिस तरीके से विवाद पैदा हुआ है और ख़ासतौर पर ये खुद कानून मंत्री हैं और इसके पहले भी, ये कोई नया विवाद नहीं है, जब भी बिहार में मंत्रिमंडल शपथ लेता है, चाहे जीतन राम मांझी का मामला हो, देखिए जीतन राम मांझी ने गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में उन्होंने शपथ लिया और अगले ही दिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके अलावा अगर आप देखें तो शिक्षा मंत्री बने, नीतीश कुमार का इस पूरे मामले पर ना कुछ कहना क्या बताता है, क्योंकि अब ये पूरा मामला मीडिया में है, बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, ये बात तो उन्हें भी पता है। क्या आरजेडी कोटे से कार्तिकेय सिंह मंत्री हैं इसलिए नीतीश कुमार कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तस्वीर साफ नहीं कर रहे अपने विवादित मंत्री को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हालांकि इसके पहले अक्सर कहते रहे हैं कि उनकी सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है, लेकिन उनके मंत्री, जबकि वो ये कह रहे हैं कि काम बहुत जल्द शुरू हो, लिहाजा तमाम मंत्रियों ने कल ही शपथ ली और कल ही पदभार ग्रहण कर लिया और इन्होंने भी पदभार ग्रहण किया, ऐसे में उनको अगर किसी उनके मंत्री पर अगर ये आरोप लगा है तो निश्चित रूप से सफाई नीतीश कुमार को भी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार, बीजेपी के साथ सरकार चल रही थी, अब वो आरजेडी के साथ सरकार है और आरजेडी के किसी मंत्री पर, और वो मंत्री जो कि अनंत सिंह के बेहद करीबी हैं और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के दबाव में। रुपेश, और अभी मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है बल्कि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा रुपेश। इस वक्त बीजेपी नेता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, कार्तिकेय सिंह बिहार के नए कानून मंत्री, कल ही उन्होंने शपथ ली है और अब एक नई जानकारी उनसे जुड़ी कि वो तो दरअसल 2014 के अपहरण मामले में वांछित हैं, कोर्ट में पहुंचना था, पेशी के लिए पहुंचे नहीं, पहुंच गए मंत्री के रूप में शपथ लेने को लेकर। बीजेपी इस पूरे मसले को कैसे देख रही है और क्या इसे अब आप एक बड़ा मुद्दा भी बनाने वाले हैं?
सकता है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबकि कोई भी मंत्री के शपथ ग्रहण के पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कागज को नहीं देखे हैं कि हमारा मंत्री का चरित्र क्या है। यह बिहार का दुर्भाग्य है। अब बिहार के कानून जो है ठीक करेंगे अपराधी, ये है बिहार का चरित्र। बिहार में जंगल राज। लेकिन अरविंद जी, थोड़ी देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह को हमने सुना, वो कह रहे हैं ये सब बीजेपी की साजिश है, कानून कोई नहीं तोड़ रहा है और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे सजा भी मिलेगी। आरजेडी के चाल चरित्र चेहरा ही अपराधी है और ये जंगल राज है। जंगल राज की स्थापना पार्ट थ्री के कर चुका है आरजेडी माननीय नीतीश कुमार को चाणक्य बना करके। अभी बिहार के जंगल राज पार्ट थ्री के चाणक्य हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार के जंगल राज चल रहा है। और देखिए एक से एक धाराओं से सुशोभित है इनके मंत्री और इनके नाम से बिहार के निशाना साध रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कार्तिकेय सिंह के बारे में, जानकारी नहीं है। ताली कप्तान को और गाली भी कप्तान को। ये जब हमारे साथ थे तो ये कानून के साथ राज्य चला रहे थे, आज जो है गैर कानूनी तरीका से राज्य चला रहे हैं। ये क्वालिटी है एनडीए और यूपीए का।